हाय गाइस, माय नेम इज़ शालू नारंग। माय चैनल नेम इज़ अट्रैक्टिव रॉक शालू। आज के वीडियो में बनाने वाली हूँ पनीर ग्रेवी। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर की रेसिपी। पनीर रेसिपी बनाने के लिए आपको चाहिए होगा पनीर, जिसमें मैंने पनीर को थोड़ा सा बॉईल करके पनीर को डिप किया है 5 मिनट्स, जो आप भी कर लीजिएगा। दूसरा आपको चाहिए 2 प्याज, जिसे हम ग्राइंड करेंगे। 2 प्याज को कट करके, और अगर आपको हरी मिर्च चाहिए तो आप हरी मिर्च भी साथ में ले सकते हो। मैंने हरी मिर्च अवॉइड किए क्योंकि हमें सूट नहीं होती हरी मिर्च। तो 2 प्याज को मैं सबसे पहले कट करूँगी, उसे ग्राइंड करती हूँ, और टमाटर को भी कट करके ग्राइंड करती हूँ। तो गाइस, जो मैंने पनीर को डिप किया था गर्म पानी में, मैंने उसे निकाल लिया है उसे, और उसका जो पानी था वो उसे रिमूव मत कीजिएगा, उसको रखिएगा। बाद में ग्रेवी बनने के बाद हम इसी पानी को यूज़ करेंगे। और मैंने ये प्याज को ग्राइंड करके ले लिया है, टमाटर जो एक दिखाया था वो भी ग्राइंड करके ले लिया है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, पैन थोड़ा सा गर्म तेल में इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए गाइस, थोड़ा सा तेल डाला है मैंने, इसी में सब्जी बनाने वाली हूँ पूरी। तो सब्जी पहले इसकी पनीर की बनाने से पहले मैं रेसिपी में पनीर को जो है थोड़ा सा फ्राई करूँगी लिटिल लिटिल, जिससे कि वो थोड़ा कच्चापन नहीं आए और उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये देखिए गाइस, पनीर को जो लाइट फ्राई करके मैंने बाहर निकाला, उसमें मैंने डाला थोड़ा सा पनीर मसाला और हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर, सबको मैंने अच्छे से मिक्स करके इसको रख दिया ऐसे 5 to 10 मिनट्स, जब तक मेरी जो मसाला मुझे बाकी का रेडी करना है। प्याज को ग्राइंड किया था वो डाला है इसमें। सबसे पहले मैंने इसमें तेल, जीरा और अपना कड़ी पत्ता डाल के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज ग्राइंड करके मैंने डाला है, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स किया है। इसको मिक्स करने के बाद ये तब तक पकेगा, उसके बाद मैं टमाटो की प्यूरी डालूंगी इस पे। इसमें मैंने टमाटो की प्यूरी डाल दी है। अब ये ओनियन और टमाटो की प्यूरी अच्छे से पक जाएगी। पहले प्याज की मैंने अच्छे से पका लिया, उसके बाद मैंने टमाटो की डाल के पकाऊंगी। और गाइस, एक बात ध्यान रखिए, जितना टमाटो और प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट आप जितना ग्राइंड करेंगे, अच्छे तरीके से उसको मिक्स करके भूनेंगे, उसको अच्छे से पकाएंगे, जितनी देर तक ये गैस में पकेगा मीडियम टू स्लो उसमें, तो ये अच्छे तरीके से आपका ग्रेवी तैयार होगा और उतना ही आपको स्वाद आएगा। चाहे पनीर की सब्जी हो या कोई भी सब्जी हो, जब भी आप बनाएं तो ये 2 चीज़ की बात ध्यान रखें कि इसको अच्छे से भूनिए, और इसको जब तक भूनिए, ये भूनेगा और अच्छे तरीके से भूनेंगे, आपको कैसे पता चलेगा? सिंपल है गाइस, ये अच्छे से होने के बाद देखिए इसमें थोड़ा सा उबाला टाइप का आएगा और जो तेल है आपका वो ऊपर आने लगेगा। तो आप समझ जाइएगा कि आपकी जो प्यूरी आपने इसमें डाली है ग्राइंड करके, वो पक चुकी है। ठीक है, ये देखिए गाइस, मैंने इसमें सब मसाले डाल दिए, नमक, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, और इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा डाला क्योंकि इसमें मैं ऑलरेडी मिक्स कर चुकी हूँ, तो इसमें थोड़ा ही डाल के, और लिटिल जो आपको पानी बताया था पनीर का वो इसमें डाला है। अब इसको और पकाऊंगी थोड़ा सा बॉईल आने तक। ये देखिए गाइस, मेरा जो ग्रेवी का था पूरा अभी हो गया है पूरा तैयार। अभी आप देखिए इसमें तेल ऊपर आ गया है और थोड़ा सा उबलापन भी आने लगा। जब ग्रेवी का रूप ऐसे हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपकी ग्रेवी पक चुकी है। तब हम इसमें डालेंगे थोड़े पनीर। ये देखिए गाइस, मैंने जो पनीर किया था उसमें मिक्स कर दिया अपनी ग्रेवी पे, पनीर की ग्रेवी पे, और अभी इसे मैं थोड़ा सा 2 से 3 मिनट्स तक ऐसे ही पकाऊंगी, फिर लिटिल थोड़ा सा पानी डाल के और पकाऊंगी, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तब तक इसे 2-3 मिनट्स ऐसे पकाना है। ये देखिए गाइस, मैंने इसमें जो पनीर का पानी था वो पूरा इसमें मिक्स कर दिया, और आप देख के डालिए, एकदम मतलब पतला भी नहीं होना चाहिए, एकदम गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अब मैं इसे एक थोड़ा 1 to 2 बॉईल तक, थोड़ी सी पकने तक इसे 5 मिनट्स और करूँगी, उसके बाद मैं इसे बंद कर दूँगी। तो गाइस, मेरा पनीर बन के रेडी है, आप देख सकते हो कितना अच्छा टेक्सचर आया है। अब मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगी, वो ऑप्शनल, अगर आपको करना है तो करिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। मैंने लिया है थोड़ा सा फ्रेश मिल्क, क्रीम मिल्क है ये, तो उसको मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ, और
कोरिएंडर, कोरिएंडर ऑप्शनल ही अगर आप डालेंगे तो अच्छे टेस्ट आता है। और इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। सी गाइस, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं तो और भी अलग तरीके से ग्रेवी बनती है, बट मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया है जिसे आप ठंड सर्दी में भी खा सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं तो दही का ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं और ऐसा ग्रेवी रेडी करते हैं। मैंने बिना दही के ये ग्रेवी बना के दिखाई है आपको। बताइए ये मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी है, और इसे प्लीज़ ट्राई कीजिए। अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, बेल बटन में आइकॉन्स में ऑल क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस ये बनके पनीर रेडी है, देख सकते हो आप कितना ही अच्छा बना है ये पनीर। इसे प्लीज़ आप ट्राई कीजिए अपने घर पे, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज करके बताइए कि कैसी बनी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पनीर की रेसिपी पसंद आई हो, तो इसे प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन बटन्स में ऑल प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।